Hamas leader is ours on the mission of the Hamas leader. ईरान की राजधानी तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने इसराइल पर हमले की धमकी दी है। अमेरिका और अरब देशों की ओर से तनाव कम करने की कोशिशों को ईरान ने खारिज कर दिया है। जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे साफ दिख रहा है कि जल्द ही ईरान की तरफ से कोई ऐसा कदम उठाया जाएगा जो पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह कर देगा। ईरान के पास परमाणु हथियार होने की खबर अभी चर्चा में ही थी कि फिर से कुछ ऐसा हो गया जिसने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। जी हां, इजराइल के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान की रूस ने मदद की है। रूस की ओर से ईरान को कथित तौर पर कुछ हथियार मुहैया कराए गए हैं। ईरान ऑब्जर्वर एक्स अकाउंट पर ही हाल ही में एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया गया कि गैलेक्स एयरलाइंस का एक रूसी IL-76TD कार्गो विमान 2 अगस्त को तेहरान हवाई अड्डे पर उतरा है। एयरलाइन हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। ऐसे में रूस से ईरान में हथियार आने का दावा किया जा रहा है। ईरान ने हालिया समय में यूक्रेन युद्ध में उलझे रूस की काफी मदद की। खास तौर से ईरान ने रूस को ड्रोन मुहैया कराए थे। ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि अब रूस की ओर से सहायता की जा रही है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती। एक बड़े अपडेट के मुताबिक रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान सहित ईरानी नेतृत्व के साथ बातचीत के लिए सोमवार को तेहरान पहुंचे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब हमास के नेता इस्माइल हानिये की पिछले सप्ताह तेहरान में हत्या के बाद व्यापक क्षेत्रीय युद्ध की आशंकाओं के बीच मध्य पूर्व में तनाव है। वैसे तो रूस और ईरान के बीच दोस्ती की शुरुआत तो ड्रोन सप्लाई से हुई थी, लेकिन बाद में पुतिन ने ईरान के भरोसे एक बहुत बड़े मिशन की शुरुआत कर दी थी। अब वक्त उसे अंजाम तक पहुंचाने का है। माना जा रहा है कि ईरान और इजराइल युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रूस ने इस युद्ध में ईरान को जीत दिलाने के लिए हथियारों का बड़ा जखीरा भेज दिया है। गैलेक्सी एयरलाइन के विमान पहले भी हथियारों का ट्रांसपोर्ट करते रहे हैं। जुलाई 2012 में गैलेक्सी एयरलाइन के विमान सीरिया में गृह युद्ध के बीच हथियार पहुंचाने के मामले में फंसे थे। इस मामले में एयरलाइन के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जांच और आलोचना की थी। गैलेक्सी एयरलाइंस ने विद्रोही गुटों से लड़ रही सीरियाई सरकार को छोटे हथियारों और गोला बारूद और दूसरे सैन्य उपकरणों की सुविधा प्रदान की थी। अक्टूबर 2013 में भी गैलेक्सी एयरलाइंस से प्लेन से सूडान में हथियार ले जाने की सूचना मिली थी। इस कार्गो में छोटे हथियार और हल्के हथियार भी शामिल थे जो कथित तौर पर सूडानी सरकार के लिए थे। दिसंबर 2015 में भी गैलेक्सी एयरलाइंस लीबिया में हथियारों के परिवहन के लिए सुर्खियों में आई। क्यों खास है ईरान पहुंचा रूसी विमान? रूस के जिस IL-76TD विमान के ईरान पहुंचने का दावा किया गया है वो करीब 50 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ हथियार और सैन्य उपकरण ले जा सकता है। इस विमान से BTR बख्तरबंद कार्मिक वाहक और यहां तक कि T-72 जैसे हल्के टैंक भी भेजे जा सकते हैं। यह हॉविट्ज़र और कई रॉकेट लॉन्चर जैसे तोपखाने के टुकड़े भी ले जा सकता है। रडार सिस्टम और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों का ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है। तो रूस और ईरान के बीच संबंध कोई नए नहीं है। ईरान ने रूस को यूक्रेन पर हमले में ड्रोन देकर मदद की थी। अब बदले में रूस ईरान को इजराइल पर हमले के लिए सहायता प्रदान कर रहा है। रूस के इस कदम के पीछे एक बड़ा कारण अमेरिका का इजराइल के समर्थन में खड़ा होना है। अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका समेत 5 देशों का गठबंधन ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ऐसे में रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र में भी ईरान का समर्थन किया था, जिससे ये साफ हो जाता है कि रूस हर हाल में ईरान का साथ देने के लिए तैयार है।